एसीजी स्टार्टर के मैकेनिज्म को समझने के लिए पूरे क्रैंक केस को ओपन कर दिए, बट कहीं पे भी सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को नहीं मिला है। अभी अब मैंने इसके चाबी स्विच को ऑन किया, अब जैसे इसके ब्रेक को प्रेस करने के बाद सेल्फ स्टार्टर बटन को दबाएंगे, ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, ये आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, और सिर्फ के सिर्फ ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। अभी ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। देखिए कैसे मैनुअल तरीका है चेक करने का। अब ये इसका पिकअप कॉइल है जो सिग्नल के लिए जाएगा। अब इसमें मैं जैसे ही दूसरा पिकअप कॉइल ऐड करूँगा तो स्पार्क जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लाइव देखिएगा, देखें मैकेनिक भाइयों, कोई जरा सा भी क्लिक बैट नहीं, देखिए स्पार्क हो रहा है, साउंड भी आप सुन पा रहे होंगे और स्पार्क भी आप देख पा रहे होंगे। मैकेनिक भाइयों, ये है TVS XL ACG स्टार्टर वाली गाड़ी है, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था हमारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में, जो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया। तो आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि इसके अंदर जो ये 3-phase कॉइल दिया गया है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 3-phase कॉइल किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, वो तो मैं बताऊंगा। बट आज की इस वीडियो में, यानी एक वीडियो में 3 ऐसे 4 ऐसे चीज़ों को समझेंगे, मेन की सेल्फ स्टार्टर सिस्टम कैसे काम करता है, चार्जिंग सिस्टम कैसे काम करता है, गाड़ी हमारी स्टार्ट कैसे हो जाती है, उन सारे चीज़ों के कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने इसके इंजन को ओपन किया। इंजन को ओपन करने के बाद कहीं पे भी इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों को कन्फ्यूजन ये था कि ACG स्टार्टर के जो गाड़ियां होती है, चाहे वो होंडा हो चाहे वो TVS की गाड़ियां हो, उसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर इंजन के अंदर दिया हुआ है। तो जी नहीं मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको इसके मैकेनिज्म को समझाएंगे कि कैसे कैसे इसका सेल्फ काम करता है, और स्टार्ट होने के बाद कैसे चार्जिंग निकालता है, लाइटिंग का करंट कैसे जनरेट होता है, और मल्टीमीटर से टेस्टिंग विथ PDF आपको डिटेल बताएंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो ये जो कॉइल है इसका, ये 3-phase इसके अंदर मैग्नेट कॉइल असेंबल किया गया है। जैसे ही हम सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करते हैं तो ये कॉइल ऑटोमेटिकली हीट होना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको लाइव इसके साथ प्रूफ शेयर करते चलूँगा। हीट होते ही इसके अंदर से एक साउंड उत्पन्न होता है, और वही हीट के उत्पन्न होने से इसका मैग्नेट जो है ऑटोमेटिकली राउंड होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको साउंड और हीट उत्पन्न जो हो रहा है वो दिखाऊंगा, और वो चीज़ दिखाने के लिए हमें इसके अंदर माइक कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चलिए मैं इसके चाबी स्विच ऑन करने के बाद जैसे सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ से अजीब सी साउंड आना शुरू हो जाएगा। मैं भी सेल्फ बटन प्रेस कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, और साउंड भी आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए काफ़ी बारीक सा महीन साउंड है, और ये देखिए हीट होना शुरू हो गया। यही हीट के वजह से जो है हमारी गाड़ी, एक बार सेल्फ प्रेस कीजिए ब्रेक प्रेस करने के बाद, ये देखिए। तो आपने देखा कि जैसे इसके सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करते हैं तो वोल्टेज इस वाले एरिया में आके इस कंप्लीट कॉइल को हीट उत्पन्न करवाता है। सेम अगर देखें तो हम लोग के घर में जो 3-phase फैन लगा होता है, सीलिंग फैन जिस तरह से काम करता है, सेम मैकेनिज्म उसी तरह से। अभी मैं आपको लाइव इसका कंप्लीट टेस्टिंग करके दिखाऊँगा। इस वाले कॉइल को मैंने यहाँ पर असेंबल कर दिया, और इसके ऊपर हम इसके मैग्नेट को लगा देंगे इस टिथ में। काफ़ी इजी है इसे चेक करना, जब भी सेल्फ स्टार्टर काम ना करे तो इस प्रकार से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। चलिए मैग्नेट में इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर लेता हूं, और जैसे ही सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करेंगे इसके अंदर हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। उससे पता ये चलता है कि इसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर कहीं पर नहीं दिया हुआ है। लाइव मैकेनिज्म दिखाने के लिए इसके मैग्नेट को असेंबल कर चुके हैं। पिकअप कॉइल को इसके डायरेक्शन में नहीं रखेंगे वरना स्पार्क उत्पन्न होगा। सिर्फ के सिर्फ हम इसके ACG की टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। चलिए जैसे इसके ब्रेक को प्रेस करने के बाद सेल्फ स्टार्टर बटन को दबाएंगे, ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर जाएगा। ये देखें
फर्स्ट स्टेप में आपने काफ़ी आसानी से ये समझ लिया कि ACG स्टार्टर कैसे काम करता है, और इससे आपका एक बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जिस भी बाइक में या मोपेड में या स्कूटर में ACG स्टार्टर सिस्टम इनबिल्ड होता है उसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। कंपनी खुद कहती है बैटरी सप्लाई पावर टू इग्निशन स्विच एंड स्विच टर्मिनल ऑफ मेन फ्यूज। कंपनी खुद कह रही है कि इसकी बैटरी जो है वो इसके फ्यूज बॉक्स से होते हुए इसके स्विच में और इग्निशन चाबी में 12 वोल्ट के सप्लाई को भेजता है। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ। कंपनी इसके आगे की PDF में कहती है द ECM विल टेक सिग्नल फ्रॉम ACG सेंसर। हमारे काफ़ी ऐसे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को इंग्लिश में समझाना काफ़ी टफ हो जाता है, तो उनके लिए मैं आसान शब्दों में इंग्लिश से हिंदी में करके आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये सारा मैकेनिज्म, ये कंट्रोलर कैसे निर्भर है इसके ऊपर कि यही बैटरी को चार्ज करता है, यही सेल्फ को स्टार्ट करता है, यही लाइटिंग के रिलेटेड अलग करंट भेजता है और यही सारी चीज़ों को कंप्लीट वर्क करवाता है। तो कैसे एक ये यूनिट सारी चीज़ों को वर्क करवाता, चलिए मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। हिंदी में अगर इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो ये बैटरी जो है ये फ्यूज बॉक्स से होते हुए चाबी स्विच के पास वोल्टेज भेज के रखता है, और जैसे ही चाबी स्विच ऑन करते हैं सारा का सारा वोल्टेज इसके पास आ जाता है। अब जैसे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं और सेल्फ स्विच को प्रेस करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज इसके ACG स्टार्टर के पास आ जाता है। अब ACG स्टार्टर के पास इस वाले वायर में वोल्टेज आता है, बट चार्जिंग किससे निकलता है, यहाँ से निकलता है, इस वाले एरिए से। आप समझ सकते हैं कि इधर से आया AC करंट मैग्नेट से और यहाँ से DC वेव में निकला और लाइटिंग के लिए भी चला गया और चार्जिंग के लिए भी चला गया। मेन ये जो समझ लीजिए सिर्फ लाइटिंग के और चार्जिंग के लिए है, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम ना काम करे तो यहाँ पे इन सारे वायरों को चेक करेंगे। इसी के पास अगर वोल्टेज ना आए तो इस ऑरेंज वाले वायर में चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, और अगर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो पिकअप कॉइल के वायर को चेक करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर आने वाले वोल्टेज जो होता है वो 12 वोल्ट यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि DC सप्लाई यही मेन वाला वायर इसको देता है, जिस तरह से नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट गाड़ियों में रिले को इतने मोटे वायर में वोल्टेज प्राप्त के मात्रा में भेजा जाता है। इसके डिटेल एक्सप्लेन किया है मैंने कि किस तरह से इसका चार्जिंग सिस्टम काम करता है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो जरूर से ज़रूर देखिएगा। अभी उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी मैं मेन इसकी टेस्टिंग के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे इसके सारे सेंसर्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे CKP सेंसर्स हो गया, ACG स्टार्टर हो गया, और इसके कंप्लीट वायरिंग को कैसे चेक किया जाता है विथ PDF। सबसे पहले चेक कर रहे हैं इसके CKP सेंसर को। देखें दोनों वायर को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब मल्टीमीटर का डायरेक्ट सिग्नल ले जाएंगे इसका कंप्लीट यहाँ पे 200 ओम पे। रीडिंग क्या दिखा, 135.2 135.1, यानी पिकअप कॉइल का जो रीडिंग है एकदम सटीक बता रहा है। अब काफ़ी सारे हमारे मैकेनिक भाई जब भी इस गाड़ी का पिकअप कॉइल चेक करते हैं उस कंडीशन में रीडिंग काफ़ी ऊपर नीचे दिखता है, कभी समय रीडिंग दिखता ही नहीं, तो गलती क्या होती है, जब भी पिकअप कॉइल चेक करना हो तो इंजन ठंडा होना चाहिए। गर्म इंजन में चेक करेंगे तो रीडिंग आपका कभी नहीं मिलेगा। कितना ठंडा होना चाहिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे चेक करेंगे। अब ये पिकअप कॉइल काम कर रहा है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो इसके जस्ट सामने एक और पिकअप कॉइल लाएंगे और सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए जैसे मैं इसके अंदर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको इसके जो रीडिंग में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, और ये दोनों पिकअप कॉइल को जब हम आपस में टच करेंगे तो यहाँ से स्पार्क भी जनरेट होगा। चलिए मैं स्पार्क जनरेट करके दिखाता हूँ, बट रीडिंग देख लें, 135 दिख रहा है। कंपनी कह रही है कि 150 से 200 के बीच में रहना चाहिए, परफेक्ट रहता है। तो देखें 135 परफेक्ट है, देखिए रीडिंग तो ये पिकअप कॉइल क्या कर रहा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब इसी पिकअप कॉइल से हम स्पार्क जनरेट करवाते हैं। अभी इसका स्पार्क हम मैनुअल तरीके से चेक करेंगे, उसके लिए हम इसके स्पार्क प्लग के होल्डर को निकाल लेता हूँ। ये सारे चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, ये आपको कोई अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा, और सिर्फ के सिर्फ ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। अभी ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। देखिए कैसे मैनुअल तरीका है चेक करने का, पकड़िए इस होल्डर को, पकड़िए। अभी यहाँ पे मैंने इस होल्डर को पकड़ लिया है,
अब ये इसका पिकअप कॉइल है जो सिग्नल के लिए जाएगा। अब इसमें मैं जैसे ही दूसरा पिकअप कॉइल ऐड करूंगा तो स्पार्क जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लाइव देखिएगा, देखें मैकेनिक भाइयों कोई जरा सा भी क्लिक बैट नहीं, देखिए स्पार्क हो रहा है, साउंड भी आप सुन पा रहे होंगे और स्पार्क भी आप देख पा रहे होंगे। अच्छे से मैं फोकस करता हूँ, अभी देखिए स्पार्क आप ये देखें, थोड़ा दूरी बनाइए, तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं और मैनुअल ये है तरीका चेक करने का, चाबी स्विच ऑन होना चाहिए। पिकअप कॉइल से भी आप पता कर सकते हैं कि करंट हमारी गाड़ी क्यों नहीं दे रही, पिकअप कॉइल सही है या खराब। तो देखिए स्टार्टिंग के लेकर मैंने इसके पिकअप कॉइल की सटीक टेस्टिंग बता दी है। अब इसके लाइटिंग को लेकर या सेल्फ को लेकर जब भी प्रॉब्लम आता है ना, जब इसके एसीजी स्टार्टर को आप होंडा की गाड़ियों की तरह कंपेयर करके नहीं चेक कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जब मैं कॉइल के अंदर मैं बल्ब ऐड करूंगा और किक का उपयोग करूंगा या सेल्फ का उपयोग करूंगा तो यहां पे कोई जरा सा लाइट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसको जब भी चेक करना रहता है, जब चेक करना रहता है मल्टीमीटर से, पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे लाइव प्रूफ कैसे चेक करना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है उसे पिन वन और पिन टू में लगाएंगे। अब आप काफ़ी सारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पिन थ्री क्यों दिया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पिन थ्री है ब्लैक कलर का जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड में हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ एक पिन इसमें लगाना है रेड में, दूसरा पिन लगाना है येल्लो में। मल्टीमीटर को हम लगा देंगे 200 ओहम पे, 200 ओहम पे मल्टीमीटर को सेट करेंगे। एक रेड प्रोब रेड वाले में ले लेंगे और ब्लैक प्रोब इसके येल्लो वाले ले लेंगे। रीडिंग क्या देखने को मिलेगा आपको, जो कंपनी रिकमेंडेड पीडीएफ में बताया जाता है वो रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ चलिए मैं शेयर करता हूँ, अभी इसके मैंने पिन को टच किया है और रीडिंग जो कंपनी रिकमेंडेड बताया गया वो परफेक्ट दिख रहा है, 0.8 0.7 0.9 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है दोनों पिन लगाने के बाद। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि कंपनी क्या कह रही है, तो लाइव प्रूफ दिखाने के लिए पीडीएफ देखें क्या लिखा हुआ है। एक्सल 100 पार्ट नंबर भी मैड कर सकते हैं, P706060 क्या होना चाहिए, 0.9 होना चाहिए, कहाँ पे, पिन वन और पिन टू में होना चाहिए। तो ये है लाइव प्रूफ जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि कैसे इसका एसीजी काम करता है, खराबी हो जाने के बाद कैसे मैनुअल तरीके से इसका करंट जनरेट करवाना है और सेल्फ स्टार्टर सिस्टम कैसे काम करता है। उसका साउंड भी मैंने सुनाया कि जैसे प्रेस करते हैं बटन को हीट उत्पन्न होता है, साउंड होता है, और वैसे ही हमारा एसीजी स्टार्टर काम करना शुरू कर जाता है। इसके अंदर कोई भी सेल्फ स्टार्टर मोटर दिया हुआ नहीं है। तो जब भी आपके पास होंडा की गाड़ी पहुँचे, जुपिटर हो, एक्टिवा हो या फिर टीवीएस एक्सल हो, इन सभी के अंदर आपको एसीजी स्टार्टर देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, मेरे इस उपयोग किए हुए मेथड को आजमाना है, जरूर से जरूर आपको सोल्यूशन मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।